लोग मोस्टली जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में भी और देखने में भी। अगर वो किसी की वीडियो देखते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना दूर की बात है, उस वीडियो को लाइक करना भी गवारा नहीं करते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर कोई असली में इस तरह प्रैंक करे चपेड़े ही खाएगा वो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फतेह, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, ये इंट्रो बोल बोल के जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा रट गया है और अपनी ज़ुबान पे चढ़ गया है ये इंट्रो, और इसको बोलने में मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे हमेशा। आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब के चैनल की ग्रोथ से रिलेटेड है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के चैनल ग्रो नहीं करते जैसे कि हमारी नेबर कंट्री में करते हैं। बेशक हमारी नेबर कंट्री जो कि ऑब्वियसली इंडिया है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री से, पर फिर भी अगर उनकी कंट्री में हमारी कंट्री की तरह की मेंटालिटी पाई जाती तो उनकी कंट्री में भी जो है यूट्यूब के चैनल को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो हमारी कंट्री में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो जल्दी ग्रो नहीं करते, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जी, हमारी कंट्री में यूट्यूब चैनल के ग्रो ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है कि अगर वो किसी की वीडियो देखते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना दूर की बात है, उस वीडियो को लाइक करना भी गवारा नहीं करते हैं। और इस चीज़ को मैं काफ़ी अरसे से नोट करता आ रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर भी, और काफ़ी लोगों के बारे में मैंने ये सुना है कि यार वाकई इस तरह का सीन होता है और ये बजा बात है। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं रिसेंटली अगर अपनी कोई वीडियो वगैरह पोस्ट करता था तो उसको मैं इम्बेड करके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाता था, तो मैंने अब वो करना छोड़ दिया है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग स्टेटस तो देखते थे पर वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते थे। इसका ये मतलब कि लोग सिर्फ स्टेटस देखते थे और चेक करते थे कि यार ठीक है कोई लिंक पोस्ट किया है, उस लिंक को खोलना गवारा नहीं करते थे। मैंने ये फील किया कि यार ज़रूरत नहीं है इस तरह व्हाट्सएप के ऊपर मैं स्टेटस वगैरह लगाऊं और उसके अंदर लिंक दूं अपनी वीडियो का, इसलिए बेहतर यह है कि यार और बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और बहुत सी आवाम बैठी है जो कि हमारी वीडियो देखना चाहती है, हम क्यों अपने ही कॉन्टेक्ट्स को जो है अपनी वीडियो वगैरह दिखाएं। और बहुत सी आवाम बैठी है वीडियो देखने के लिए और वो देखना भी चाहते हैं हमारी वीडियो, इसलिए बंदा उनको दिखाया क्यों किसी और पे टाइम वेस्ट करे। तो रीज़न नंबर वन ये थी कि हमारी मेंटालिटी इस तरह की है कि हम किसी को ग्रो करता नहीं देखना चाहते किसी भी फील्ड के अंदर। रीज़न नंबर टू ये है कि लोग मोस्टली जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में भी और देखने में भी। अगर वीडियो के अंदर मिर्च मसाला नहीं है तो आपकी वीडियो देखना वाकई में उनको गवारा नहीं होगा, और इसकी शुरुआत ही होती है हमारे थंबनेल से। वीडियो का थंबनेल ही अगर हम इस तरह का बना दें कि जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हो कि यार आज फलानी जगह लड़ाई होगी या आज फलानी सास ने अपनी बहू को मारा, या इस तरह की कोई स्टोरी जिसमें मिर्च मसाला हो, उस तरह की वीडियो का अगर थंबनेल हम बना के पोस्ट करें तो उसके ऊपर व्यूज़ बेतहाशा आएंगे। और अगर हम चाहें कि किसी को हम कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं उसके बारे में अगर हम कोई थंबनेल वगैरह बना के पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर चंद ही क्लिक आते हैं। ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि यार हम लोगों को मिर्च मसाले वाली चीज़ें या फिर इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं जो कि बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक चल रहे हैं। हम लोगों को आजकल इसी चीज़ों में इंटरेस्ट रह गया है, सीखना हम लोगों की ज़िंदगी से निकलता ही जा रहा है बिल्कुल। रीज़न नंबर थ्री और लास्ट ये है कि हम लोगों के जहन में सबसे ज़्यादा चीज़ ये पाई जाती है कि यार अगर हम किसी की वीडियो देखेंगे तो यार उसको तो पैसे मिलेंगे। तो भाई ऐसी बात नहीं है, अगर आप एक व्यू किसी को देते हैं ना तो उसके अगेंस्ट किसको $0.001 भी जनरेट नहीं होता। अगर आप एड बहुत देर तक देखते हैं तो फिर जाके कहीं कहानी अच्छी होती है इस तरह, और 0.01 करके कहीं पे जाके कोई डॉलर इकट्ठा होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपने अगर एक व्यू दिया तो उसमें $1 आ गया, अगर ऐसा हो तो चाहिए क्या। तो इस तरह के जो है कॉन्स्पिरेसी हम लोगों के दिमाग में पाई जाती है कि भाई अगर हम इसकी वीडियो देखेंगे तो ये तो भाई बहुत करोड़पति बन जाएगा। अल्लाह करे यार सबके साथ ऐसा ही हो, हम तो यही चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को जेन से निकाल देना चाहिए हमें, और हम लोगों को हर एक को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए जेन में कि यार फलाना तो ऐसे कर रहा है, यार फलाने की वीडियो ऐसी थी हमने नहीं इसकी वीडियो देखनी यार, या हम उसकी वीडियो भी देखें या उसको तो लाइक्स मिल जाएंगे, या हम उसकी वीडियो भी देखें या उसको तो पैसे मिल रहे हैं। यार इस तरह की जो है मेंटालिटी से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। इस तरह की मेंटालिटी से निकलेंगे तो बतौर कौम हम तरक्की करेंगे। अगर हम इसी तरह एक दूसरे को देखा देखी हम इस तरह की सोच अपने जेब में रखेंगे फिर तो तरक्की हम लोगों को भूल ही जाना चाहिए कि हमारी कौम तरक्की कर सकेगी। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा चैनल शुरू कर रहे हैं जो कि बिल्कुल व्लॉगिंग से रिलेटेड है तो भाई आप उस व्लॉगिंग की ही फील्ड में रहिएगा, और उस व्लॉगिंग की फील्ड में रह के तरक्की करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि व्लॉगिंग के बहुत ज़्यादा पहले ही चैनल हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड जो है अपना चैनल बनाते हैं तो उसमें आपकी तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और स्पेसिफिक नीच जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत मशहूर हैं उनमें चंद एक ही हैं, जिसमें रोस्टिंग सबसे टॉप पे है,
क्योंकि भाई रोस्टिंग अगर किसी की करोगे मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की तजलील कर रहे हो, तो लोग इसको पता नहीं क्यों लाइक कर रहे हैं इतना ज़्यादा। उसके बाद प्रैंक, प्रैंक जो है पब्लिक प्रैंक्स वगैरह, वो उस तरह के चैनल बहुत ज़्यादा चलते हैं और उसके ऊपर तरक्की करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वैसे मेरे ये भी नहीं समझ आती कि यार पब्लिक प्रैंक्स वगैरह के ऊपर लोग इतना खुश क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर कोई असली में इस तरह प्रैंक करे, चपेड़े ही खाएगा वो। और तीसरी नीश जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, वो है जी आप अपना किसी सेलिब्रिटी के बारे में बातचीत करना शुरू कर दें या पॉडकास्ट शुरू कर लें अपना। पॉडकास्ट को तो ऐसे आगे लेके जाया जा रहा है जैसे कि हम लोगों ने ही ये पॉडकास्ट ईजाद किया था। तो बहरहाल अच्छी बात है यार, नई नई फील्ड के अंदर इंसान को मूव करना चाहिए और नई नई किस्म की चीज़ें वगैरह ट्राई करनी चाहिए और ग्रो करते रहना चाहिए इसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी शाम है और इस वक्त हो रहा है 4:47, और ये बहुत ही अननेचुरल फिनोमेना है कि एक तरफ सूरज भी नज़र आ रहा है यहाँ पे और ये सामने चांद भी है जो कि बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। वीडियो में तो आई एम श्योर इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जूम लेंस नहीं है, पर वैसे बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है ये। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। अभी छत से होके आया और क्या ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा देखा है। इस तरह का नज़ारा जो है कभी कभी देखने को मिलता है और ये इतना ज़बरदस्त किस्म का एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिसके ऊपर वाकई दिल से आवाज़ निकलती है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा नज़ारा होता है ये वाला कि यार दिल वाह वाह क्या उठता है अंदर से। तो जी अब बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया और इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, उससे मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाया करेगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।